गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रेवी टोमेटो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको टमाटर और प्याज को बॉईल करना पड़ेगा और हमको धनिया चाहिए और हमको एक टमाटर को रोस्ट करना पड़ेगा, लहसुन को रोस्ट करना पड़ेगा, अदरक चाहिए और मिर्ची को भी रोस्ट करना पड़ेगा और खड़े मसाले तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची और चाहिए हमको गुड़, नमक और कसूरी मेथी, जीरा, क्रीम, प्याज, टमाटर। टमाटर को हमने स्लाइस में कर दिया है। गाइस हमको इसका भी पेस्ट बनाना है और इसका भी पेस्ट बनाना है। दोनों पेस्ट हम अलग अलग बनाएंगे। गाइस हमारे दोनों पेस्ट रेडी है। अब हम गरम तेल के अंदर कड़ी, तो गाइस अब उसके अंदर पेस्ट डालेंगे। अब उसको मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे से भून चेंगे तब तक ये भूजते हैं। हम ये खड़े मसाले कूटेंगे। सो गाइस हमने इसको अच्छे से दरदरा कूट दिया है। अब हम अपने टोमेटो की पेस्ट में डालेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। ये मसाले अपने धीरे धीरे खुशबू छोड़ेंगे। अब हम भुंजे वाले टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुंजेंगे। गाइस हमको बड़े बड़े टुकड़े वाले प्याज डालना पड़ेगा और हमको मिक्स करना पड़ेगा। गाइस हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने हल्दी और मिर्च डाल के अच्छे से मसालों को भूंज दिया है। तो गाइस अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। जो हमने प्याज और जो टमाटर को जो बॉईल किया था ना, उसका बचा वाला पानी डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, गुड़ और कसूरी मेथी। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम। आप दही भी डाल सकते हैं गाइस। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटोस, हमको टमाटर को गलाना नहीं, हमको हल्का से ही गलाना है। टमाटर पकने के बाद हम मिलते हैं गाइस। हमने टमाटर को पूरा गलाया नहीं है और हमारी डिश रेडी है। अब हम प्लेटिंग करेंगे।